हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से मिल रहे हैं मॉम टू बी के एक और वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने जो 10 अफर्मेशंस यूज़ किए थे, वो इन अफर्मेशंस की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली थी टू काम डाउन माई माइंड, टू हेल्प माई बॉडी सेटल बेटर, एंड ऑल्सो टू टेक दिस जर्नी फर्दर विथ अ पॉजिटिव माइंड सेट। तो ये 10 अफर्मेशंस थे जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी, तो आई जस्ट थॉट टू शेयर देम विथ यू। तो आई एम श्योर कि आपने भी ऐसे अफर्मेशन आपके प्रेगनेंसी के अलग अलग सेमेस्टर में ट्राई किए होंगे, तो आप भी वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हमारी जैसी काफ़ी सारी मॉम टू बीज जो है उन सबको हेल्प हो जाएगी। माई बॉडी इज़ ग्रोइंग हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर एवरी डे एंड आई ट्रस्ट माई बॉडी कम्प्लीटली। माई बॉडी नोज हाउ टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट माई लिटिल बेबी ड्यूरिंग दिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर। My body and mind is surrounded by love and positive energy. Every day, my body is developing new skills and abilities to support my pregnancy and give me the best comfort possible. I am so blessed to be pregnant with our kind, little, beautiful baby to whom we call Jerry. Our Jerry is growing at a perfect rate. Jerry's heart is beating strong, steady, and happy. Our Jerry is protected with a strong and a healthy placenta. Every day of my first trimester, my confidence grows as we calmly navigate through early months of pregnancy with our bodies, minds, and souls connected to each other. Our Jerry is a blessing to us, our families, and to the world. I am so proud of my body for taking care of our little Jerry and myself. I am thankful to my husband, my friends, my colleagues, our families, and all the lovely souls around who are helping us in this beautiful journey. We love our little Jerry, and Jerry loves us too. We all are now looking forward for the second trimester. तो ये थे मेरे 10 अफर्मेशन जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी ड्यूरिंग माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मैंने अपने सेकंड ट्राइमेस्टर के लिए भी ऐसे अफर्मेशंस बनाए थे। डेफिनेटली इंटरनेट पे ये सारे अफर्मेशंस कहीं ना कहीं अवेलेबल है, बिकॉज सम एंड दी अदर वे इट्स ऑल द सिमिलर, बट इसे मैंने कस्टमाइज़ किया था विथ माई बेबीज़ नेम, बिकॉज उससे मुझे और हेल्प हो रही थी टू रिलेट, टू कनेक्ट, टू फील इट मोर क्लोजली। सो ऐसा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जर्नी, जहाँ पे इन अफर्मेशंस ने मुझे बहुत हेल्प की थी। सिमिलरली मैंने अपने सेकंड ट्राइमेस्टर के लिए भी ऐसे अफर्मेशंस बनाए थे, एंड आई मेड श्योर कि मैं अफर्मेशंस पे काम उस तरीके से करूँ जिस तरीके से मेरे वरीज़ मेरे माइंड पे काम करे। तो जिन जिन चीज़ों की मुझे चिंता हो रही थी, टेंशन हो रहा था, उसी से रिलेटेड मैंने ये अफर्मेशंस यूज़ किए, ताकि मेरे बॉडी को वो एज अ मेडिसिन हेल्प करे। थर्ड ट्राइमेस्टर में अभी हम हैं, मेरा 33 वीक चल रहा है, 8.5 मंथ पे हम हैं, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, स्पेशली अभी डिलीवरी जो आगे आने वाला है उससे रिलेटेड बहुत लोग आपसे जब बात करते हैं तो दैट मेक योर माइंड वरीड अ लिटल कि प्रिपेयर्ड फॉर द डिलीवरी का काउंटडाउन शुरू हो गया एंड दिस एंड दैट। तो मैंने उससे रिलेटेड भी अपने लिए कुछ अफर्मेशंस बनाए हैं जिन्हें मैं एवरी मॉर्निंग प्रैक्टिस करती हूँ। वेन एवर आई फील टेंस्ड मैं उसे प्रैक्टिस करती हूँ, और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो सी, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। वंस यू एक्सेप्ट द प्रेगनेंसी इन योर माइंड, योर बॉडी विल डेफिनेटली सपोर्ट इट। बहुत अच्छे से बॉडी आपको सपोर्ट करेगी। टुवर्ड्स दी एंड इट्स अ हैंड इन हैंड काइंड ऑफ वर्क, कि आप आपकी बॉडी को हेल्प करो, आपकी बॉडी आपको हेल्प करेगी, नॉट जस्ट इन प्रेगनेंसी इन जनरल, बट प्रेगनेंसी में तो डेफिनेटली दिस विल वर्क फॉर यू। सो प्लीज़ प्रेगनेंसी से डरना बंद कीजिए, इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी, एवरी वुमन शुड एक्सपीरियंस इट वेन एवर दे आर रेडी। तो ये मॉम टू बी की सीरीज़ शुरू करने के पीछे मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि एक तो मुझे अपनी ये सारी जर्नी आप सबसे शेयर करनी थी, बिकॉज मैं एक्सप्रेसिव पर्सन हूँ, एंड सेकेंड इज़ प्रेगनेंसी को लेके बहुत चिंताएं बना के रखी थी यार। स्पेशली मुझे तो, मैं तो बहुत डर गई थी इनिशियली, बिकॉज देयर वाज सो मच कि तुम्हें ये बंद करना पड़ेगा, वो बंद करना पड़ेगा, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, जैसे लाइफ ही ख़त्म हो गई है ऐसे बना दिया था, ये कोई बड़ी बीमारी है ऐसे टाइप्स की, ये 9 महीने ऐसा, फिर उसके बाद वैसा, फिर ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। हम आज के जनरेशन में जब लीड करें लाइफ को,
देर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू डू. मैं जॉब पे जाती हूँ, मैं ट्रिप्स पे जाती हूँ, मैं अपना खाना बनाती हूँ, मैं यमी यमी जो जो जब जब खाने का मन होता है मैं खाती हूँ. आई गो ऑन वॉक्स, आई डू वट एवर रेगुलर वर्क दैट वी डू, आई एन्जॉय माई लाइफ, आई गो टू ऑफिस, आई डू माई हॉबीज एंड एवरीथिंग. And there's nothing which is affecting my pregnancy. The only factor you need to consider is आपको आपकी body and आपके doctor के साथ in sync रहना है, ताकि कुछ भी हो छोटा मोटा तो आपको advance में वो पता चल सके through your body and उसके बारे में what can be done ये आपको आपके doctor से पता चल सके. So बहुत ही beautiful सी journey है. Don't worry about this. अगर आप pregnancy को सिर्फ ये सब चिंताओं को लेके ना कह रहे हो तो don't do that. Don't close that beautiful door because it's a very beautiful and very soulful journey. You will definitely enjoy it. The only factor is your mind and your body should be connected to each other in this journey so that aapko pressure nahi hoga. At the same time, be vocal about what you want, what you don't want to your family and your friends so that they can also understand your philosophy of this journey and they can also support and enjoy with you. तो मिलते हैं अगले मॉम टू बी के वीडियो में, जहाँ पे मैं अपने सेकंड ट्राइमेस्टर के अफर्मेशंस आपसे शेयर करूँगी और उसके बाद मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर के अफर्मेशंस का एक वीडियो बनाऊँगी. एंड आई होप ये दोनों वीडियो जब तक आते हैं तब तक मेरी डिलीवरी का टाइम आ जाएगा. सो आई विल ऑल्सो शेयर माई डिलीवरी, लेबर, एवरी एक्सपीरियंस विथ यू. सो देखते रहिए चैनल को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दैट विल हेल्प मी इन फ्यूचर, दैट विल हेल्प दिस चैनल ग्रो. एंड कमेंट्स प्लीज़ कीजिए अगर आपके कोई ऐसे ही ब्यूटीफुल से एक्सपीरियंस है या कोई अपने अलग पैंथरा यूज़ किया था आपकी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो आपको हेल्प कर गया था, तो ज़रूर शेयर कीजिए सो दैट वी ऑल कैन रीड इट एंड वी ऑल कैन एक्सप्लोर दैट फंडा. एंड लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, बिकॉज अगेन दैट विल मोटिवेट मी फॉर मेकिंग मोर एंड मोर सच वीडियोज़ एंड कीप टॉकिंग विथ यू गाइज. सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय.